अगर तुम्हें मेरे मरने की भी खबर मिले ना तो लौट कर मत आना। मेरी चिता को आग देने का भी हक नहीं है तुझे। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? ए बाबा, तुम्हें जाना है, जाओ यहाँ से। जो करना है करो, हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। वो जो तुम महीने का देते हो अभिरत, वो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हर महीने का जो अपने हिस्से का जो खर्चा है वो आपके अकाउंट में डालता रहूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसका इस्तेमाल करना ना करना वो आपके हाथ में, लेकिन मैं डालता रहूंगा। विराट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत पड़ेगी? ये घर तुम्हारे कमाई से नहीं चलता है, हमारे पास भी पैसे हैं। तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे। मेरा फर्ज निभाना आप उसे एहसान कह रहे हैं? हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपको आपकी पेंशन मिलती है, आप फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन है वो बिजनेस ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। और आपको आपके रेगुलर चेकअप्स के लिए, आपका सेहत का ध्यान रखने के लिए पैसों की जरूरत होगी या नहीं, उसके लिए मैं पैसा दूंगा। एक मिनट, शादीशुदा होने के बावजूद किसी और महिला लेडी औरत के साथ नाजायज संबंध रखते हो तुम, तभी तुम्हें खानदान की चिंता नहीं होती, अब बड़ी चिंता दिखा रहे हो। काकू, मैंने अभी कहा ना, मैं पैसा देते रहूंगा। उसके साथ आपको जो करना है कीजिए, डोनेशन में डाला डोनेशन में डालिए, चैरिटी करनी है चैरिटी कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। चैरिटी अब तुझे करनी पड़ेगी। तेरे पाप जो इतने बढ़ गए हैं, और इतने पाप करने के बाद इंसान मन की शांति सुकून की नींद खो देता है, और मन की शांति पाने के लिए तुझे चैरिटी करनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए अपने पैसे अपने पास रख, तुम्हारे काम आएंगे। अरे लेकिन हाँ, प्रायश्चित कोई दुकान में बिकने वाली चीज नहीं है विराट, उसके लिए सच्चाई चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पास कतई नहीं है। आपने मुझे घर छोड़ने को कहा, रिश्ते खत्म करने को कहा, मेरे बेटे होने के सारे हक छीन लिए, सब चुपचाप मैं सुनता रहा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, नाम डुबाया है। लेकिन एक बार मेरी आंखों में देखकर कहिए ना कि क्या आपका बेटा ऐसा कर सकता है, किसी को धोखा दे सकता है? आपका बेटा हूं आई, देखना। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है ना आई, मेरे दिल में क्या है। बस विराट बस, मेरी बीवी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो। वो विराट हो ही नहीं जिसे हम जानते थे, जिस पर नाज था गर्व था, उस विराट की तो बस अब यादें ही हैं। आप क्यों रो रही हैं? अरे किस लिए रो रही हैं? अपने मरे हुए बेटे के लिए रो रही हैं? अरे कैसी बात कर रही हैं आप, चिंता मत कीजिए आई, एक बार आपकी नजरों से दूर हो जाऊंगा ना, यादों से भी दूर हो जाऊंगा। गुड़ू, उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, दूसरे का घर तोड़ के कभी आज तक कोई अपना घर नहीं बना पाया है। एक बात हमेशा कान खोल के सुन लेना बेटा, उस औरत ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, वो तुम्हारी नौकरी भी खा जाएगी, और एक दिन ऐसे भी आएगा कि जब तुम्हारे पास कोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और तब तुम्हारी पत्नी सही की याद आएगी, और तब तुम्हें सही और उस औरत का जो फर्क है वो समझ में आएगा, बहुत रोओगे, बहुत 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 पछताओगे तुम। बहुत हो गया तमाशा, हर एक ने विराट को घर से बाहर जाने का फरमान सुना दिया है, लेकिन शायद सब भूल गए हैं कि इस घर में हर फैसला सिर्फ मैं ही करती हूँ, भवानी नागेश सभान। इस मामले में भी फैसला मैं करूंगी और कोई सवाल नहीं उठाएगा। अब बचाई क्या है बेनी? बस इतनी देर तक सब बात कर रहे थे ना, अब मैं बोलूंगी और सब सुनेंगे।
विराट, जब तू पैदा हुआ था तो यही पापा के सामने मैंने तेरा नाम बड़े फक्र से विराट रखा था, विराट चव्हाण। मैंने खुद तेरी परवरिश की है, और जब तूने अपने स्वर्गीय काका साहब नागेश चव्हाण की तरह पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और जिस दिन तू पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर मेरे सामने आया, उस वक्त मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। बेटा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला है। मैंने तुझे अपना बेटा माना है, और तूने भी हमेशा अपनी आई से बढ़कर मुझे दर्जा दिया है। विराट, तुझे याद है जब तू 7वीं क्लास में था और तुझे पहला अवार्ड मिला था, तब तू घर पर आकर सबसे पहले तूने ये बात मुझे बताई थी, और जब तूने पुलिस की एग्जाम पास की थी तब भी। बेटा, तेरी हर हार हर जीत मेरी परवरिश को दर्शाती है। आज तक तूने अपनी जिंदगी की हर बात मुझे बताई, अगर नहीं बताया तो वो तेरा उस जंगली मुर्गी के साथ शादी करना। हाँ, नहीं पसंद है मुझे वो लड़की, लेकिन फिर भी ये बात तो सच है ना कि उसने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया। मैं इस बात को नहीं झुठला सकती जो उसने मेरी बेटी दिव्यानी के लिए किया। उसने सम्राट को वापस इस घर में लाने के लिए जो कुछ भी किया, हम चाहकर भी इस बात को भुला नहीं सकते हैं। विराट, विराट, शादी एक बंधन है। तू अपनी मर्जी से उस लड़की को इस घर में लेकर आया, और हमने भी उसे अपना लिया, लेकिन अब जो कुछ भी तू कर रहा है ना, वो गलत है। और अभी के अभी ये तमाशा तू बंद कर दे। आज ही तू उस श्रुति के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ेगा और सई को वापस इस घर में लेकर आएगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सोचूंगी कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी किया है तेरे लिए, उसमें मैं असफल थी। आज तक तूने मुझे कभी अपनी मां माना ही नहीं। देख विराट, मुझे सच और झूठ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ तेरे और सई के रिश्ते में और इस परिवार के मान सम्मान से फर्क पड़ता है, और मैं चाहती हूं कि तू मेरी बात माने। काकू, सई अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, और मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इस बार बात पहले जैसी नहीं है। वो मेरे या किसी के भी बोलने से या करने से, कुछ भी करने से वापस नहीं लौटने वाली है। सई, सही मायनों में अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंट हो चुकी है। वो अपने फैसले लेने के काबिल है। वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती है।
मैं भी तो यही चाहता हूं कि सही अब अपने फैसले अपने बारे में सोच के ले, अपने भले के बारे में सोच के ले। इसीलिए काकू, जो आप कह रही हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। काकू, मैं अपनी बातों में फंसाकर सई को मजबूर करके इस घर में वापस नहीं ला सकता। लेकिन एक काम जरूर कर सकता हूं, आई और बाबा की बात मानकर मैं खुद ये घर छोड़कर जा सकता हूं। मस्त मस्त, सच में विराट तू बहुत बड़ा हो गया है रे। इतना बड़ा कि तुझे अपने इस काकू की बात को मना करने में जरा भी हिचक नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी के पास कुछ भी है कहने के लिए। जो कुछ भी था सबके पास कहने के लिए अब वो कह चुके हैं। बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा खुद का, और आप में से किसी को भी मेरी जरूरत हो मैं हूं, हमेशा रहूंगा। जब भी मुसीबत का वक्त आएगा आप लोग मुझे पराया नहीं मानेंगे। मोहित, तू तो मेरे कांटेक्ट में रहेगा ना, सबकी सेहत के बारे में बताता रहेगा, घर के हालचाल के बारे में बताता रहेगा ना। वो क्यों बताएगा, क्यों बताएगा, कोई जरूरत नहीं है। इस घर में मोहित और सम्राट दो बेटे हैं, वो इस घर का, इस घर के बड़ों का, पूरे परिवार का ख्याल रख सकते हैं। काबिल है वो, तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। अब मेरे दिल में आपके लिए हमेशा से बहुत इज्जत रही, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे आपको दादा बोलने का मन ही नहीं कर रहा। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मन में आपके लिए क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने सई वहिनी के साथ ये क्या कर दिया। दादा, आपने सई वहिनी को जो धोखा दिया है उसने मुझे अंदर ही अंदर हिला कर रख दिया। दादा, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि सई वहिनी को कैसा लग रहा होगा। आपके एक गलत फैसले ने सई वहिनी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है दादा। काश उसी दिन मैंने उस श्रुति से पूछ लिया होता कि ये सब क्या चल रहा है, जिस दिन मैंने उसको और आपको उस होटल में देखा था। उस दिन मैं कुछ नहीं कह पाया, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, मुझे यकीन था कि मेरे विराट दादा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। लेकिन अब उस श्रुति को उसके किए की सजा तो मैं दिलवा कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो हद पार करनी पड़ जाए मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल हो या चाहे मेरी मौत हो, लेकिन उस श्रुति को घसीट कर पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। अपने गुस्से में अपनी हद पार मत कर मोहित। आप हद की बात ना ही करें तो अच्छा होगा दादा, क्योंकि आपने तो बेशर्मी की सारी हद पार कर दी। मोहित, चिल्लाओ मत दादा। जस्ट बिकॉज आप मुझसे उम्र में बड़े, आप मेरा मुंह नहीं बंद करवा सकते। वो औरत वही डिजर्व करती है जो मोहित ने खाया है। आपको श्रुति की जितनी परवाह करनी है, जितना बचा के रखना है बचा लो दादा, लेकिन मैं उस औरत को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये मेरी कोई चेतावनी नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। विराट,
सॉरी, मैंने थोड़ी देर लगा दी। मैं जानता हूं, मैंने प्रॉमिस किया था कि सुबह होते ही निकल जाऊंगा, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई थी रात को, इसलिए थोड़ी देर लग गई। I'm sorry। वैसे अभी तक मैं सोया नहीं हूं, फिर भी जा रहा हूं जैसे मैंने वादा किया था। विराट, सच में तुम एक औरत के लिए ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? सबके सवालों के जवाब देके ये बात यही खत्म कर दो प्लीज। खत्म तो ये कर चुका है पत्र लिखा, लेकिन बात नहीं, रिश्ते। हम सब से अपने रिश्ते खत्म कर चुका है ये। इसकी प्रायोरिटीज क्लियर है पत्र लिखा, इसने अपने परिवार के ऊपर उस औरत को चुना है, तो अब इसे रोकने से या इसको समझाने से कोई फायदा नहीं। बड़ा सच में, एक औरत के लिए तू अपनी शादी, घर, परिवार सब छोड़ना चाहता है? एहसास है तुम्हें कि कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो? छोड़ा ना मानसी ताई, जाने दीजिए, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको क्या लगता है, इसे अफसोस है इसकी गलती? बिचारी सही, उसने तो कोई गलती नहीं की थी, फिर भी वो बेघर हो गई, हम सबसे दूर चली गई। अब जो मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं, तो सही को इस घर में वापस आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सबके साथ रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई, अगर आप सम्राट तू, बाबा आप सभी अगर सही से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो शायद वापस आ जाएगी। तुझे क्या लगता है विराट? नहीं लगता क्या तुझे कि ये कोई बच्चों का खेल चल रहा है, कि पहले सही चली गई, अब तू चला जाएगा तो सही वापस आ जाएगी? क्यों आ जाएगी, वो किसके लिए आ जाएगी? दादा, आपने बताया नहीं ऐसा क्या खास है श्रुति में जो आपने उसकी वजह से सही भाभी को छोड़ दिया? वैसे अभी भी मैं उन्हें सही भाभी बोलूं ना, या फिर वो मेरा मतलब था कि अब तो आप उस श्रुति के साथ बहुत सुंदर है क्या वो? शट अप करिश्मा, कभी तो सोच समझ कर बोलो। दाडो सुट्टो, हमेशा मैं ही क्यों चुप रहूं? अरे लोग करने से पहले ना कुछ सोचते हैं ना समझते, और मैं बोलने के पहले भी सोचूं और समझूं। और अगर तुम्हें मुझे ही चुप कराना है ना, तो एक काम करो, तुम ही बता दो। अरे तुमने तो देखा भी है ना उस श्रुति को, ऐसा क्या खास है उसमें कि विराट दादा को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया? कहीं उसे कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं आता? चुप हो जाओ करिश्मा, चुप, एकदम चुप। अब अगर तुम्हें श्रुति के खिलाफ एक भी गलत शब्द कहा ना, तो तुम्हें अपनी जबान खोलने पर बहुत अफसोस होगा, बहुत पछताओगी तुम। For more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.